डुलिंगो क्या है, इसमें कितने बैंड्स की रिक्वायरमेंट है कि आपको कॉलेज एडमिशन दे देगा, कितने स्कोर कितने बैंड बनते हैं, क्या इमिग्रेशन कनेडियन इमिग्रेशन या कोई और इसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्या आपका वीजा आएगा इसमें, ये सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो। राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस कटारिया, यू आर वॉचिंग कटारिया टीवी। हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, नीचे जो रेड बटन को क्लिक करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना। इंस्टाग्राम में कटारिया 007, फेसबुक पे पेज है कटारिया टीवी के नाम से, पीके पारस है स्नैपचैट पे, हर जगह लाइक और फॉलो कर लो। कोई भी क्वेश्चन होते हैं दिल में, नीचे जो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ड्यूलिंगो की, जो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते रहते हैं। ड्यूलिंगो क्या है? ड्यूलिंगो एक टेस्ट है जिसके बेस पे आपको एडमिशन मिल सकती है कॉलेज में, और जो कैनेडियन जो कॉलेज है, जितने भी कॉलेज है, मोस्ट 70% ऑफ द कॉलेजेस इन कनाडा दे आर एक्सेप्टिंग ड्यूलिंगो। यूएस में भी एक्सेप्टेबल है, यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ड्यूलिंगो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने ये बिल्कुल मना कर दिया कि हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ड्यूलिंगो का टेस्ट होता है ऑनलाइन। एज यू नो कि कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से आईएलटीएस की, पीटीई की, इन सब की डेट जो है वो बंद हो गई थी, लाइक उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी, या जिन्होंने बुक करवाई थी उनकी कैंसिल हो रही थी या सस्पेंड हो रही थी या एक्सटेंड हो रही थी, तो इस वजह से ड्यूलिंगो आ गया और ड्यूलिंगो बहुत सारा फेमस हो गया। यू नो लोग, एवरीबॉडी इज लाइक ड्यूलिंगो कर लेते हैं, ड्यूलिंगो सही है। ड्यूलिंगो की जो फीस है वो है 49 US डॉलर, USD, सो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग ये बन जाती है 3000 से 3500 के बीच में, तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना, गूगल पे जाके लिख लेना US to INR या जो भी आपकी कंट्री है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। $49 जो USD है वो फीस है इसकी। इसका जो टेस्ट होता है वो होता है 1 आवर का, और जो इसमें स्कोर आता है गाइस, इसमें बैंड नहीं आते, इसमें स्कोर आता है 100, 120। अगर आपने अपने स्कोर के हिसाब से बैंड चेक करने, तो नीचे मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक कर लेना, वहाँ पे जाकर आप पता देख लोगे कि सारे बैंड वगैरह और कितने स्कोर में कितने बैंड है, वो कैलकुलेशन आप वहाँ पे कर लोगे, वो पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, वो जाके देख लो। और अब जिनके मैं एस्टिमेट दे देता हूँ, जिनके 120 नंबर आते हैं उनके 7 बैंड है, तो 100 से अगर आपके अबव ड्यूलिंगो में नंबर आया तो काफ़ी अच्छे हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो कनाडा कॉलेज हैं, जितने भी कैनेडियन कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ड्यूलिंगो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या ये ड्यूलिंगो इमिग्रेशन में एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ गाइज। सी फॉर नाउ, कहीं भी कैनेडियन इमिग्रेशन साइट पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये अप्रूव नहीं किया है कि हम ड्यूलिंगो एक्सेप्ट करेंगे, ना ही मैंने अब तक देखा है किसी की फाइल लगी हो ड्यूलिंगो के साथ और किसी का वीज़ा आया हो। सो गाइज, SDS में अगर आपकी फाइल लग रही है तो प्रीटी श्योर कि अभी तक कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं है कि एक्सेप्ट होगा। ये सिर्फ इसीलिए चल रहा है कि जो कॉलेज की ऑफर लेटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, और कॉलेज आपको ऑफर लेटर या LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर देता है ड्यूलिंगो के बेस पे। 70% मैंने बताया, 70% कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं ये कनाडा में। सो इसमें साफ सीधी बात करूँ तो फ़ायदा है और घाटा भी है, एजेंटों का फ़ायदा भी और घाटा भी है। सीधी बात करूँ पूरी, एजेंटों का क्या फ़ायदा है, इसके बेस पे एडमिशन होगी, फीस भरी गई, GIC भरी गई, CAQ वाली है, सब कुछ हो गया। अब आपको इमिग्रेशन में जब फाइल लगानी है तो IELTS की ज़रूरत है। सी ड्यूलिंगो और IELTS को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ड्यूलिंगो इज़ ईजी है IELTS से, आप इसमें ज़्यादा अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट थी 6 या 6.5 बैंड की, जब आपकी फ़ाइल लगानी है इमिग्रेशन में, सी एजेंट के पास आपकी फ़ाइल है, आपने अपनी GIC भर दी, फीस भर दी, सब कुछ भर रखा है, बस आपको IELTS की रिक्वायरमेंट आ गई। अब एक तो पहली बात, ये पता नहीं कब IELTS खुलेगा, कब आप टेस्ट देने जाओगे। सेकेंड थिंग, आपके उतने बैंड नहीं आएंगे तो आपकी फ़ाइल वहीं अटक जाएगी। और जो इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास टाइम है। सपोज़ करो जो बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जिनके काफ़ी अच्छे बैंड्स आ जाते हैं, उन्होंने ड्यूलिंगो किए, उनके 120 130 नंबर ड्यूलिंगो में आ गए, उनकी फ़ाइल तैयार हो गई है, और जैसे ही IELTS करो, उन्होंने IELTS दी, अपनी IELTS दी और इमिग्रेशन में फ़ाइल लग गई और वीज़ा आ गया, उनके लिए तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा है। बट इसमें
आपको मैंने बता दिया एजेंटों का ज़्यादा फायदा है बिकॉज कॉलेज से एडमिशन आ रहे हैं। एक बार आपकी फाइल हाथ में आ गई, मैं सीधी बात करता हूँ यार, एक बार आपकी फाइल हाथ में आ गई आपकी फाइल उसके पास पड़ी रहेगी। जब तक आप आइल्स क्लियर नहीं करोगे, आपकी फीस भरी हुई है, सेमेस्टर डेफर हो जाएगा, अगर आइल्स नहीं ढंग से जो आपका बैंड है रिक्वायरमेंट वो नहीं दोगे तो आपकी फाइल नहीं लगेगी, या अगर आप कम बैंड में दोगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा या गैप आता रहेगा आपकी स्टडीज़ में। तो ये थोड़ा सा घाटा है, और फ़ायदा मैंने आपको बता ही दिया कि जिनका वीज़ा जल्दी लग जाएगा, जिनकी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, तो ड्यूलिंगो जो कर रहा है वो ये मत सोचे करना कि हमारी ड्यूलिंगो पे ही फाइल लग जाएगी इमिग्रेशन में, ऐसा कोई रूल नहीं आया अभी। नॉन SDS में लगाओगे तो आई डोंट नो आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज मैंने नहीं देखा अभी तक किसी को कुछ आया। सो ये अपने माइंड से निकाल दो कि ड्यूलिंगो पे ही मेरी फाइल लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, और ड्यूलिंगो ईजी है, कर लो। और ड्यूलिंगो की जो फीस है $49, अगर आप चाहते हो कि हाँ आपने प्रैक्टिस भी करनी है, सो एक मैंने देखा था प्रैक्टिस टेस्ट $2 आई थिंक 150 रुपये का है, आप वहाँ जाकर प्रैक्टिस करके आप टेस्ट दे सकते हो। बिकॉज ये ना हो कि आप $49 ख़राब कर रहे हो और वहाँ पे भी आपके अच्छे नंबर नहीं आ रहे, और ये एक मंथ में लाइक इन अ मंथ आप 2 बार दे सकते हो सिर्फ, ऑनलाइन है। सो उससे पहले मैं यही प्रेफर करूँगा कि प्रैक्टिस जरूर कर लेना, प्रैक्टिस टेस्ट का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो यही थे ड्यूलिंगो के बारे में इन्फॉर्मेशन, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। ऐसी सपोर्ट करते रहना, ऐसी प्यार करते रहना, कीप वॉचिंग कीप सपोर्टिंग कटारिया टीवी, लाइक फॉलो सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना, ऐसे ही प्यार करते रहो। टिल द टाइम टेक केयर गाइस।